लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज और महाराज के बीच वर्चस्व की लड़ाई अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि बिना सिंधिया समर्थकों को सेट किए शिवराज सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। प्रशासनिक बैठकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं उससे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में माफ करो महाराज अब की बार शिवराज नारा बीजेपी ने खूब चलाया था। वो बात अलग है कि महाराज के आगे शिवराज को करारी हार मिली थी और महाराज सिंधिया के दम पर कमलनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए थे। अब हालात बदले हुए हैं। शिवराज के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में हैं, लेकिन दोनों के बीच वर्चस्व की वही लड़ाई आज भी देखने को मिल रही है। भोपाल में हुई बैठक में भी साफ देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हारे हुए समर्थकों को भी सरकार में जगह दिलाने का प्रयास करते रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरती देवी, ऐदल सिंह कंसाना सहित अन्य समर्थकों को शिवराज सरकार में सेट करने में सिंधिया कामयाब होंगे। मतलब साफ है कि सिंधिया चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में, वो महाराज थे और रहेंगे। और विचारधारा की बात करने वाले बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता उनके प्रभाव के आगे नतमस्तक रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन। शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में विमानतल पर अफसरों के साथ हुई बैठक में ड्रग के खिलाफ मुहिम में प्रशासन को फ्री हैंड कर दिया। निर्देश सिंगल सोफे पर बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया दे रहे हैं। सीएम सांसद के साथ लंबे सोफे पर बैठे हैं। चित्र पूछ रहा है सीएम कौन है। खैर, महाराज के प्रभाव से सिंधिया समर्थकों में खुशी की लहर है क्योंकि उन्हें सिंधिया के भरोसे अपनी नैया जोपार लगानी है। लेकिन बीजेपी खेमे में इस बात को लेकर खलबली है कि सब कुछ सिंधिया समर्थकों को ही मिलेगा तो उनका तारणहार कौन होगा। टीवी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।